भारतीय टीम के सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार युवराज सिंह ने आखिरकार रिटायरमेंट लेने का मन बना ही लिया है, जो कि संन्यास लेने का मन बना लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट और फर्स्ट क्लास से, जो कि पंजाब के जबरदस्त ऑलराउंडर माने जाने वाले और एक टाइम पर भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ी माने जाने वाले युवराज सिंह ने आखिरकार अपने संन्यास लेने का मन बना लिया है। युवराज सिंह का मानना है कि अब शायद ही उनका कोई भी फ्यूचर दिख रहा है भारतीय टीम में, जो कि अभी हाल ही में भारतीय टीम का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ था वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जिसमें युवराज सिंह का नाम नहीं था। तो वहीं काफ़ी टाइम से युवराज सिंह को नज़रअंदाज किया जा रहा है और इन्हें सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है भारतीय टीम में। और अभी युवराज सिंह ने BCCI को अर्जी भी दी है रिटायरमेंट लेने की, जो कि इसकी खास वजह यह भी है कि युवराज सिंह चाहते हैं अपना फ्री कैरियर, जो कि ICC द्वारा अप्रूव T20 लीग में खेलना चाहते हैं दुनिया भर की, जैसे कि IPL, PSL, CPL, BBL, और अपने हुनर को दिखाना चाहते हैं दुनिया भर की हर एक लीग में। जहां IPL 2019 में युवराज सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, जो कि शुरुआत में उन्हें कई मौके मिले थे, लेकिन उसके बाद उन्हें एक भी मौका नहीं मिला था खेलने का मुंबई इंडियंस की तरफ से। हालांकि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी अच्छी रही थी युवराज सिंह का, और अब ये चाहते हैं दुनिया भर की हर एक लीग में खेलना, अपने हुनर को दिखाना चाहते हैं युवराज सिंह। इसी वजह से संन्यास लेने का मन बना लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट और फर्स्ट क्लास से संन्यास लेने का मन बना लिया है। और ऐसा जब भी हो सकता है जब युवराज सिंह संन्यास ले लेंगे फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट से, या फिर BCCI उन्हें अनुमति दे दे खेलने की दुनिया भर की हर एक लीग में। सूत्रों के हिसाब से माना यह जा रहा है कि युवराज सिंह कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट और फर्स्ट क्लास से संन्यास ले सकते हैं, अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज़ सबसे पहले।